हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, पनीर पसंदा, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर लीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है 400 ग्राम पनीर, और इसको हमने इस तरह से तिकोने साइज में काट लिया है, और बीच से हमने चीरा लगा दिया है। पूरा हम इसको अलग नहीं करेंगे, साइड से ये जोड़ा है इस तरह से। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे, और आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इस वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हम इसकी स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। ये हमने थोड़ा पनीर अलग कर लिया था, जिसको हमने इस तरह से हाथ से मसल लिया है, वो इसमें डाल देंगे। एक छोटा अदरक का टुकड़ा था, वो बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे इसमें हम। एक छोटी हरी मिर्च को उसको बारीक काट के डाल देंगे। 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती है, वो डाल देंगे। 1 चम्मच बारीक कटा पुदीना डाल देंगे। और कुछ ये ड्राई फ्रूट थे हमने, जिनको बारीक काट लिया था, जिसमें है काजू, बादाम और किशमिश, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया था। ये तकरीबन 2 चम्मच है, इसको हम डाल देंगे इसी में। और इसमें आधा चम्मच के करीब नींबू का रस डाल देंगे। वन फोर टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम पनीर के पीस लेंगे, उसमें स्टफिंग भर देंगे इस तरह से, लेके इस तरह से हम स्टफिंग भर देंगे। इस तरह से सारी पनीर की स्टफिंग ऐसे ही हम सारे पनीर में भर देंगे, बिल्कुल सैंडविच की तरह। अब हमने देखिए सारी स्टफिंग इसमें भर दी है, बिल्कुल सैंडविच की तरह हमने बना दिया है। अब हम इसको अलग रखते हैं, लेंगे एक बाउल, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, इसका हम घोल बनाने वाले हैं। और इसमें डालेंगे 1 आधे चम्मच से भी कम नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर पानी डाल डाल के हम इसका एक घोल बना लेंगे, बिल्कुल पकोड़े की तरह। घोल बना के हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हमने एक पैन में तेल लिया है, जिसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से सारे किनारों पे इस तरह से बैटर लगा लेंगे, तो डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे पीसेस
डालेंगे आधा कप फुल क्रीम दूध डालेंगे।